महाराष्ट्र में बीजेपी को 23 सीटों को बचाना है जो आपने 2019 में जीती थी। अभी तक टिकट का वितरण भी बहुत जगह पे नहीं हुआ है, ये महायुति पर एक बड़ा सवाल नहीं है खड़ा करता? क्या उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी के साथ आप कोई एक सिंपैथी की लहर देख रहे? आप नए पुतिन बन रहे हैं, आप इस कमेंट को कैसे देखते हैं? नमस्कार भैया। मोदी जी, तुम्हाला महाराष्ट्राचा नमस्कार, महाराष्ट्राकडून नमस्कार। महाराष्ट्र में बीजेपी को उन 23 सीटों को बचाना है जो आपने 2019 में जीती थी, लेकिन इस बार महाराष्ट्र में एक पूरी खिचड़ी बनी हुई है। शिवसेना और एनसीपी टूटी है, उनके दो पार्टनर आपके साथ है, जो दो गुट है आपके साथ है। क्या उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी के साथ या उनके पक्ष में आप कोई एक सिंपैथी की लहर देख रहे? देखिए, पहली बात तो मैं महाराष्ट्र के सभी लोगों को मेरा नमस्कार, और मेरे लिए अच्छी बात है कि मैं अलग से महाराष्ट्र के विषय को लेकर आपसे बात कर रहा हूँ। अब देखिए, ये बात सही है कि वहाँ लंबे अरसे से मिलीजुली सरकार चलती है। विलासराव देशमुख थे तब से लेकर के, आप देखिए, इवन शरद पवार भी जब मुख्यमंत्री बने थे वो भी पूर्ण बहुमत के साथ अकेले नहीं बन पाए थे। दूसरा, महाराष्ट्र का दुर्भाग्य रहा है कि लंबे अरसे से 5 साल तक कोई एक मुख्यमंत्री रहा नहीं है, एक भी व्यक्ति 5 साल में। देवेंद्र फडणवीस पहले व्यक्ति थे लंबे अरसे के बाद जो एक पूरा कार्यकाल मुख्यमंत्री रहे, और पूरी सरकार बेदाग रही, पूरी सरकार लोगों का भला करने वाली सरकार रही। अब सिंपैथी हमारे साथ होनी चाहिए कि जो लोग हमारे साथ चुनाव लड़े, जो लोगों ने हमारे साथ चुनाव लड़ करके महाराष्ट्र के लोगों से वोट मांगा, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के खुद के व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण और उसमें अहंकार भर गया, इसके कारण आपने बाला साहब ठाकरे के जमाने से बनी बनाई इस जोड़ी को धोखा दे दिया, और उसका लोगों को गुस्सा है, बीजेपी के प्रति सिंपत्ति है। दूसरा, शिवसेना के अंदर जो तूफान खड़ा हुआ या एनसीपी के अंदर जो तूफान खड़ा हुआ, वो साफ साफ दिखता है कि जब आप अपने परिवार के लोगों को ही प्राथमिकता देते हैं और बाकियों को नहीं देते हैं तो कभी न कभी तो कठिनाई पैदा होती है। शरद राव के घर में जो मुसीबत है, उनके पारिवारिक झगड़ा है, भतीजा संभाले कि बेटी संभाले, यहाँ भी इनका झगड़ा यही है कि भाई और कोई सक्षम नेता ऊपर आए कि खुद का बेटा, भले अभी जैसे यहाँ एक परिवार में कांग्रेस के चल रहा है उस पर, तो वो झगड़ा उनका है जी। और मैं मानता हूँ हमारा देश इस प्रकार के पारिवारिक झगड़ों के प्रति नफरत करता है, सिंपैथी नहीं करता है। तो ये बिल्कुल ही, आप सिंपैथी शब्द लेकर के सिंपैथी दिलवाने की अगर कोई कोशिश करता है तो मैं समझता हूँ वो भी फेल जाने वाली है। लोग नफरत करते हैं, लोग ऐसी चीज़ों को स्वीकार नहीं कर सकते कि भाई ये तुम्हारे घर के झगड़े, तुम घर में निपटो ना, महाराष्ट्र को क्यों बर्बाद कर रहे हो? तो गुस्सा है। दूसरी बात है, जहां तक आज शिंदे जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा सीटें होने के बाद मैंने त्याग किया है, त्याग महाराष्ट्र की भलाई के लिए किया है। कुछ लोगों को लगता था कि हम सीएम बनना चाहते हैं, नहीं, पर हम सीएम बन सकते, नहीं बने हैं। महाराष्ट्र की जनता को हमने कन्विंस किया है कि हम महाराष्ट्र के लिए जीते हैं, हमारे लिए नहीं जीते हैं। और इस चुनाव में
ये सिंपति हमारे पक्ष में है कि इतना बड़ा दल, एक मुख्यमंत्री सफल रहा हुआ मुख्यमंत्री, वो आज डिप्टी सीएम बनकर के भी एक प्रकार से खुद के सम्मान को छोड़ करके आज भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए, और मैं मानता हूं हमारे देश में बंगाल बर्बाद हो गया, कोलकाता एक इकोनॉमी को ड्राइव करता था लेकिन वहां इस प्रकार के उठापटक की राजनीति ने बर्बाद कर दिया, बिहार और उत्तर प्रदेश अस्थिरता की राजनीति ने तबाह करके रख दिए थे, महाराष्ट्र को इस हालत में जाने नहीं देना चाहिए। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, हमें देश हित में भी महाराष्ट्र में मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और ये बात हम महाराष्ट्र की जनता को समझा रहे हैं, उनको कन्वे कर रहे हैं, और महाराष्ट्र की जनता बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रही है जी। ओके, महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी की महायुति बनी है, लेकिन इस चुनाव में आखिरी समय तक सीटों की खींचातान बहुत चल रही है, अभी तक टिकट का वितरण भी बहुत जगह पे नहीं हुआ है, ये महायुति पर एक बड़ा सवाल नहीं है खड़ा करता? मुझे लगता है ये जो पहले दो वाक्य बोले ना, उसके सिवाय बाकी सब जो बता रहे वो उन लोगों का प्रॉब्लम है। वहाँ सीटें तय नहीं हो पा रही हैं, वहाँ निर्णय नहीं हो पा रहा है, वहाँ पैरेलल चुनाव लड़े जा रहे हैं, इस बाजू तो ऐसा ही नहीं, बीच बाजू चल पड़े हैं लोग, मिलजुल करके सीटें तय कर करके चल पड़े हैं जी, और वेल इन एडवांस कर दिया है शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी, ये तीनों ने इसको कर लिया है। सामने जो नकली पार्टियों का मेला मिलाप है वहां नहीं हो पा रहा है जी, उल्टा है। सर 2017 में आप ही की सरकार ने शरद पवार जी को पद्म विभूषण दिया था, जो देश का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, लेकिन पिछले मंगलवार को शरद पवार जी ने एक कह दिया मराठी में, ते मराठीत असं म्हणाले की मोदी जी देशाचे नवे पुतीन आहेत, आप नए पुतीन बन रहे हैं, आप इस कमेंट को कैसे देखते हैं? मैं उनका आदर करता हूं, आज भी करता हूं। हाँ। और मैं मानता हूं सार्वजनिक जीवन में लंबे अरसे तक जिन जिन लोगों ने काम किया है वो हमारे साथ रहे न रहे, हमारे विरोध बने वो अलग बात है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके अंदर वो पुतीन को देखते हैं उसकी सरकार से अवार्ड लेकर के वो गर्व कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है भाई। लेकिन वो गर्व कर रहे हैं। जहां तक मेरी पार्टी की सोच और व्यक्तिगत रूप से मेरी सोच, अब देखिए हमने भारत रत्न दिया तो किसको दिया? प्रणब मुखर्जी, नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह जी, कर्पूरी ठाकुर, और इस देश में किसी ने क्वेश्चन नहीं किया कि मोदी जी अब इनको क्यों भारत रत्न दे रहे हैं? सबको लगता हाँ यार ये ड्यू था, डिजर्व था। किस दल के थे? हमारे खिलाफ ढेर सारी बातें उन्होंने बताई हुई, ऐसे लोग हैं, लेकिन निर्णय उसके आधार पर ही होता है। आप पद्म पुरस्कार देखिए, मुलायम सिंह जी, असम के तरुण गोगोई जी, पी ए सांगमा जी, जमीर जी, एस एम कृष्णा जी, आप देखिए जी सारे लोग हैं दूसरी पार्टियों के हैं, हमने उनको पद्म दिया। हम पद्म देते हैं उनको अपने अपने क्षेत्र में जो उनका योगदान है देश के लिए, जो भी उन्होंने किया है ये देश का दायित्व है, अवार्ड देश का है, दल का नहीं है जी, ये मोदी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का उस पर कॉपीराइट नहीं है जी। तो मैंने पूरा पद्म पुरस्कार, तो मैं मानता हूँ कभी अगर आप स्टोरी चलाएं, मीडिया के लोग इंटरेस्ट करें, भारत में पद्म पुरस्कार को कैसे परिवर्तित किया गया, कैसे पद्म पुरस्कार एक प्रकार के सच्चे अर्थ में सम्मान बना दिया, इतना बड़ा काम उन्होंने किया है, अगर तारीफ होनी चाहिए तो इस बात की होनी चाहिए कि भाई आप बहुत बड़े सोच वाले लोग हैं कि आप ऐसे ऐसे निर्णय करते हैं। ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि आपने उनको क्यों दिया, नहीं देने के बाद भी उन्होंने ऐसा है स्टेटमेंट,
ये शर्ती थोड़ा होता है कि मैं पद्म देता हूँ मेरे लिए चुप रहना, ये कोई एग्रीमेंट थोड़ा होता है, ये गिव एंड टेक फॉर्मूला नहीं है जी। आपने आपकी पूरी यात्रा में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है, ऐसी हालत में भी आप टफ डिसीजन लेते हैं, ये कैसा कर पाते हैं? देखिए मैं टफ डिसीजन वगैरह नहीं लेता हूँ जी, मैं सही डिसीजन लेता हूँ। कोई टफ ऑफ डिसीजन होते नहीं, सही होते हैं, किसी को टफ लगे किसी को ना लगे ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि ये सब कैसे होता है। जैसा अचरज आपको होता है मुझे भी होता है कि मोदी ये कैसे करता है, फिर मैं सोचता हूँ नहीं 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 शायद परमात्मा ने ही मुझे इस काम के लिए भेजा हुआ है, मुझसे जो कुछ भी है वो कोई ईश्वरीय शक्ति करवा रही है और वो ईश्वरीय शक्ति ईश्वरीय प्रेरणा से मैं करता रहता हूँ। ये कोई परमात्मा की देन है, परमात्मा ने मुझसे कुछ काम लेना तय किया है, किसी पर्पज के लिए परमात्मा ने मुझे भेजा है और इसलिए मैं ये जो बाकी तूफान चल रहा है उससे बहुत परे रहता हूँ। लेकिन इस तूफान में शांत कैसे रहते हैं? वही मैं उससे परे रहता हूँ, मुझे शायद परमात्मा ने यही राह दिखाई है कि तुम उन चीज़ों में मत उलझो, तुझे कोई बड़ा काम करना है तुम अपने काम में लगे रहो। तो परमात्मा का निर्देश है, परमात्मा की इच्छा है, परमात्मा की योजना है और शायद ये उसी का मैं एक निमित्त हूँ, कुछ नहीं।